नमस्ते, मैं रेखा मिश्रा अपने किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाऊंगी आटे की मठरी, बहुत ही टेस्टी और कुरकुरी। अगर हमारी रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि मेरी रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए बनाते हैं। पहले मैं अपनी सामग्री बताऊंगी। मैंने 500 ग्राम आटा लिया है, इसे अच्छे से छाल करके साफ कर लिया है। स्वाद अनुसार नमक लिया है, 1 चम्मच जीरा ली हूँ, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच मंगरायल, इसे कहीं कहीं कलौंजी कहते हैं। बहुत ही खुशबू इसकी और टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और 1 चम्मच मिर्च पाउडर ली हूँ, काश्मीरी लाल मिर्च है। और तलने के लिए तेल, गूथने के लिए पानी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बड़ा थाली ली हूँ गूथने के लिए। थोड़ा सा बेलने के लिए मैं आटे को बचा लूंगी। छोटे चम्मच से डालूंगी 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच मंगरेल, 1½ चम्मच मिर्च पाउडर, 2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच नमक। इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। और इसी में मैं डालूंगी 2 से 3 चम्मच तेल। 2 चम्मच पहले डालूंगी और फिर इसे मलूंगी अच्छे से, फिर देखूंगी जरूरत पड़ेगी तो 1 चम्मच तेल और डालूंगी। इसे अच्छे से मिक्स करना है। सारे तेल को मैंने जो डाला था सब आटा अच्छे से मल ली हूँ। इस तरह से कुछ देखिए कितना कलर भी इसका चेंज हो गया है और लड्डू की तरह बांधा भी जा रहा है। तो अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे अच्छे से मीडियम आटा गूंथूंगी। बनता तो ये मठरी मैदे से है, लेकिन लॉकडाउन के लिए हेल्दी रहिए, हेल्दी खाइए, इसलिए मैं इसे आटे में बना रही हूँ। बहुत ही टेस्टी बनता है। बाहर से सामान लाने से अच्छा है कि हम घर पे बनाएं और बाहर ना निकलें। इसीलिए मैंने सोचा कि आटे से मठरी बनाऊं और आप सबको दिखाऊं। बनाइए, खाइए। इसी में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसे गूंथना है। मीडियम आटा हमें जैसे रोटी का आटा होता है उसी तरह से गूंथना है। गूंथ लिया है मैंने। इतना आटा गूंथने में हमें 1 कप चाय वाले कप से 1 कप पानी लगा। थोड़ा सा तेल हाथ में लेकर के आटे को फिर से मैं चिकना करूंगी और अब मैं फिर मठरी बनाऊंगी। अब थोड़े थोड़े मैं आटे को लूंगी, ऐसे छोटी छोटी लोइयां मैं बनाऊंगी, पेड़े से भी छोटी छोटी। ये देखिए कुछ इस तरह से सारी लोइयां मैं बना लूंगी। लोइयां मैंने सारे बना लिए हैं। अब सूखा आटा लगा के मुझे ऐसे ही सारी पूड़ियों को बेलना है और बेल के फिर मैं चाकू से इसे मैं टोच दूंगी ताकि हमारी पूड़ी फूले नहीं। इसी तरह से मैं अपने सारे मठरी को बना लूंगी। अभी मैं दूसरा भी बेल ली मठरी को। अगर कोई आपके घर में छोटा बच्चा है तो आप बेलते जाइए, बच्चों को बोलेंगे तो खुशी खुशी टोचेंगे घर में बैठ के, और फिर चाय के साथ मठरी का मजा लीजिए खा के। इस तरह से सारे मठरी को मैं इसी तरह से बेल करके तैयार कर लूंगी, फिर मैं तलूंगी। मठरी को मैंने सारे मठरी को बेल करके मैंने टोच लिया है और गैस पे कढ़ाई भी में तेल भी चढ़ा दिया है तलने के लिए। हमारा फास्ट है। अब मैं सारे मठरी को धीरे धीरे मैं इसे तलूंगी।
से हमें इसी तरह से इसे चमचे से मुझे डिप करते रहना है पूरी छानने वाले। तल लिया है मैंने, इस तरह से कुछ गोल्डन कलर का हो जाए तब मुझे निकाल लेना है। अच्छे से तेल निकाल के छन जाना चाहिए इस तरह से मछली को मुझे तलना है सर। अब मैं फिर दूसरा डालूंगी। सारे मठरी को मैंने फ्राई कर लिया है, अब मैं इसे सर्व करूंगी गर्मा गर्म चाय के साथ खाने के लिए। सर्व कर लिया है मैंने आटे की मठरी, बहुत ही टेस्टी और कुरकुरी बनी है। आप भी बनाइए इस लॉकडाउन में चाय के साथ, खाइए, बच्चों को खिलाइए, हेल्दी रहिए, बनाइए खाइए। हमारे वीडियो को पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, अपना अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। जल्द लौटूंगी किसी नए रेसिपी के साथ। थैंक यू।